महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। मेरा नाम लता बिष्ट है, मैं ग्राम सभा चकोटा में रहती हूँ। मेरे अंदाजे से व्यायाम बहुत जरूरी है और व्यायाम हर किसी को करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। मैं तो रोज व्यायाम करती हूँ। मैं 4 किलोमीटर जाती हूँ, घर आके काम करती हूँ, खेतों में जाती हूँ, जंगल जाती हूँ और मेरे लिए यही सबसे बड़ा व्यायाम है। नमस्कार श्रोताओं, मैं छू आज ग्राम सभा चकोटा में और मेरे साथ में से कुछ चकोटा ग्राम सभा के कुछ महिलाएं। तो आज नुकबर जानू कि वो व्यायाम करने या न करन, अगर करने छो तो कसिंग मानने की वो व्यायाम कर भी उन्हें स्वास्थ्य ठीक हो, अगर न करना तो की कारण से क्यों न कर। तो सबसे पहले मेरे साथ में से एक महिला, तो नमस्कार दीदी, अपन स्वागत छ। मेरा नाम गीता दीदी सो, मैं चकोटा रहनी सो। व्यायाम हमारे लिए यही भो, रद्यान उठा, पान भरलवा, मतलब रसोई काम करा, बंजवा, पतेल झाड़ा, बांस काटा और गुर्ब छांग बीत करा, बाहर बता, भीतर बता, लोग बाग दौड़ने भाई यथोथ दिने था और हमारे लिए यही व्यायाम भो, यही में हमारा शरीर स्वस्थ स और हमारे लिए मतलब यही से कि मतलब हमारे लिए व्यायाम यही से मतलब तू दौड़ने वो करने कोई जरूरत नहीं। जो हम बन जानू, बांस काटन जानू, पतेल धारण जानू, गुर्ब छांग बीत करनू और हमारे लिए यही व्यायाम से अगर अपन शरीर चलते फिरते था वही व्यायाम से। अन्य साथ में एक महिला और लच है, तो अपन ला स्वागत करना दीदी। मैं पुष्पा देवी छू, मैं चौखुट में रहूं। हाँ, मैं व्यायाम करी करूँ, ध्यान कभी मतलब। अच्छा, रोज का अच्छा या कभी कभी? रोज ज्यादातर रोज न करन, मतलब समय मिलन पर कर लू। व्यायाम करवे तो फर्क लगे की मतलब स्वास्थ्य उदिन सही जो रह रू या थकान हकान जैसन हुई वो शरीर फुर्तीला जो रह रहे हूँ, काम करम न ज्यादा मन जोश, सब ठीक है चल रहा हूँ। और जिस दिन न करे वो दिन कमजोरी जैसे टाइप मतलब मन उजस हो जा, उसका मैं नंतनान का थोड़ा कर लियो। और हमारे व्यायाम तो या खेत पिछड़े मतलब और ऐसे काम है भाव है, व्यायाम है तो भयो ले हम एक कर लेना ज्यादातर, अब उसके विशेष टाइम नहीं होने भवे। सब दीद बहनी आगे नियता बटी नमस्कार। पहला का चा फुलोग की का फुलोग ठीक छो, यस्सु का दुख तो जीवन में इसी का चलते रहो जैसी दिन और रात, अफ लोगों ले या सुन रहने की स्वस्थ रही जीवन छ। जब मैं लिया जाना कुछ महिला साथियों थबे तो उन्होंने मके कहो की हम तो रोजे काम करनो और करते रहनो, हमको व्यायाम करने की जरूरत छ, दिन रात हमारे व्यायाम तो छ। जित बहनियों की यह बात सही छ, अपन बातों के हम समझ लू, आपो कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त तरीका छ, लेकिन व्यायामक महत्व के कम कर भी न की जा सकुन ने। तो आप लोगों के में मिलो एक यस व्यक्ति दगर जो रोज व्यायाम करने, तो चल लो उन्हें पास। मैं बहादुर सिंह बिष्ट, ग्राम गजार, कश्याले। व्यायामक संबंध में जो कि आपको पूछना था, हम ये कंचानू में जो प्रतिदिन ब्याल का और रद्यान का, ब्याल के तो टाइम नहीं निकल पान, रद्यान के हम जो सो हम व्यायाम करनू, ये व्यायामक के फायद छ। व्यायामक फायद जो स अलग अलग लोग जो सा अपन अपन ऊपर जो उसे हिसाब निकालने, मैं खुद में डायबिटिक्स हूँ तो मैं डायबिटीज का हिसाब ये जो सा ज्यादा फोकस करूँ, तो मगे यो लागे कि जब मैं अगर कभी कभी छूट जैसा तो मगे दिक्कत जैसे महसूस हुए। अपन शुगर लेवल के कंट्रोल करना के लिए मैं जो सा नियमित रूप करूँ और व्यायाम करना था जो से हम जो सा व्यायाम हम अपन रोजक टाइम के जो सा
व्यवस्थित करनु, व्यायाम जो सो हमको चुस्त दुरुस्त बना रखा, हम दिन भरी अपन जो सो टाइम जो हमार सेट कर रखा, और व्यायाम जो सो हम जिसके कई प्रकार रोग जो सो हम लोगों में से हम उनको जो सो मेंटेन कर सकू बस, और व्यायाम जो सो हमार आयु से संबंधित या कई उगले जो सा हम यो मानू कि बड़ा सपनों हम जब हम जब तक हम उगे रेगुलर करूल तो तब तक जो सा हम उगे जो सा बहुत सारी परेशानियों पर बैठ सकना और स्वास्थ्य आगे जी बढ़िया सा ये में कोई इशू नहीं थे। योग जो सा निरोग बनो मा के मेन साधन। तो आप लोगों सुना ने कि व्यायाम तन और मन दिए चुस्त दुरुस्त बने और खुदा का अंदर लयक सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित है। तो आप लोगों को मिलो डॉक्टर थवे, उन्हीं थवे जानो कि व्यायामक स्वस्थ दिनचर्या में क्या भूमिका छ। नमस्कार श्रोताओं, मेरे साथ में है डॉक्टर भास्कर जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं रेडियो कुमावानी में। जी धन्यवाद आपका। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि व्यायाम के क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में। जी व्यायाम तो वैसे हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, मानसिक और शारीरिक रूप से हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। दूसरा हमारे वहाँ लेडीज जो होती हैं ज्यादातर पहाड़ में महिलाएं, वो व्यायाम करती नहीं, बोलते हैं कि हमारा दिन भर में काम ही इतना रहता है कि हमें जरूरत किस चीज की है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ ना करें, सिर्फ सुबह उठ के थोड़ी देर योगा करें, थोड़ी देर 10-5 मिनट व्यायाम करेंगे तो उससे मानसिक एवं शारीरिक संतुलन जो है बिल्कुल सही रहेगा। सर हमारी महिलाएं किस तरीके से आसानी के साथ व्यायाम कर सकती हैं? इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखिए आप सुबह जैसे 5-6 बजे उठती हैं तो थोड़ी देर अपना कमर की एक्सरसाइज हो गई, हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा देर बैठ के योगा कर लिया, थोड़ा अपने शरीर को सही करा, थोड़ी देर योग कर लिया, थोड़ी देर मेडिटेशन करा, तो उससे बढ़िया व्यायाम कुछ है नहीं हमारे लिए। अगर जैसे लेडीज सुबह उठती हैं तो सबसे पहले उनको चाय की जगह पानी पीना चाहिए बिल्कुल। उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, मोशन हमारे बिल्कुल ठीक रहते हैं, खून की थोड़ा सफाई हो जाती है। उसके बाद जाके आप व्यायाम करने के बाद चाय पानी कॉफी कुछ भी ले सकते हैं। मैं जानू हमें दिन बनिया बच्ची ब्याह तक व्यस्त रहे, लेकिन हल्क फुल्क व्यायाम कर लीजिए, हमको समय जरूर निकालना चाहिए। प्रतिभान आप लोग थोड़ा सा घूम ले सकता, लेकिन इंसान चिंताओं तो दूर कभी नहीं सकूं। आप लोग प्रतिभान कुछ समय अपन लीजिए निकाल वेद ध्यान कर ला या फिर योग कर ला, तो आप लोगों तन और मन दिया स्वस्थ रहा। उम्मीद करो आप लोग व्यायाम और योग और एक साथ साथ है थोड़ा सा ध्यान ले जरूर कर ला। अब अपन रेडियो साथी के दिया इजाजत। नमस्कार।